नमस्कार सभी को। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का हृदय कभी विराम अवस्था में भी जाता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है विराम अवस्था में जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, दैट इज द ऑर्गन विच नेवर रेस्ट। मनुष्य का हृदय एक ऐसा अंग होता है जो कभी भी विराम अवस्था में नहीं जाता है। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट की यहाँ पर बात करेंगे। दो प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। मनुष्य के दिल की धड़कन के लिए आवश्यक अनुमानित समय क्या होता है, यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो सुनिएगा। देखो, जो मनुष्य का हृदय होता है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको आलिंद कहा जाता है, और वहीं जो नीचे वाला भाग होता है इसको निलय कहा जाता है। तो जिस समय पर मनुष्य का हृदय धड़कता है तो पहले ऊपर आलिंद वाला भाग धड़कता है, जो धड़कने में 0.1 सेकंड का समय लेता है। वहीं दूसरी बार में निलय धड़कता है, जो 0.5 सेकंड का समय लेता है। तो मनुष्य के हृदय की जो एक धड़कन होती है यह 0.8 सेकंड में पूरा होती है। वहीं तब मनुष्य की दो धड़कनों के बीच की हम लोग बात करें तो मनुष्य की एक धड़कन 0.8 सेकंड के समय में पूरी होती है। एक धड़कन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी कि दो धड़कनों के बीच में, दो धक धक के बीच में जो समय होता है, ये समय भी आपका 0.8 सेकंड का होता है। और यही वो समय होता है जिस समय पर मनुष्य का जो हृदय होता है वो साइक्लिक रेस्ट में होता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि मनुष्य का हृदय रेस्ट करता है, वो साइक्लिक रेस्ट होता है, जो कि 0.8 सेकंड का होता है। ऐसे ही और कंसेप्ट्स को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिएगा आपका अपना चैनल आरजी स्टेट एग्जाम्स।